नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक साथ में बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने लगा हूँ जिसको करके आप डेली से 10 से 15 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। मिनिमम से अमाउंट 10 से 15 हज़ार आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अमृतसर में मैं हैं अभी, ये हमारी फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं इस हमारा पीछे ऑफिस है, साथ में फैक्ट्री है हमारी। तो ये देख सकते हैं ये हमारी बाहर का व्यू है फैक्ट्री का। तो आइए अंदर आ जाइए, आपको भी मशीन्स भी दिखाते हैं, ऑफिस भी दिखाते हैं अपना। आ जाइए सर। दोस्तों, ये हमारे ऑफिस के आप देख सकते हैं एंट्रेंस है, ये हमारे यहाँ पे रिसेप्शन है और ये वेटिंग एरिया है और ये हमारा ऑफिस है। तो हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हमारी यहाँ पे फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिस है, हमारी ISO सर्टिफाइड कंपनी है हमारी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी फैक्ट्री है। आज हम आपको मशीन दिखाने लगे हैं, नोटबुक मेकिंग मशीन है ये। तो आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपका जो पहले काम मैनुअल होता था, जैसे स्टिचिंग मैनुअल होती थी, फोल्डिंग मैनुअल होती थी, एडजस्ट करिंग फिर अलग मशीन में होती थी, तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आपका तीनों मशीनों का काम एक ही मशीन में हो जाएगा। तो इसमें जैसे होता था पहले कि जैसे फोल्डिंग के लिए अलग लेबर लगी होती थी, 3-4 आदमी फोल्डिंग के लिए लगे होते थे, फिर स्टिचिंग अलग मशीन में करते थे, तो ऐसे 4-5 लेबर लग जाती थी ये 3 प्रोसेस कंप्लीट करने में ही। तो अभी ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगी और एक ही आदमी से तीनों प्रोसेस का काम हो जाएगा। इसमें आप जैसे जैसे देख सकते हैं, अगर आपका अप्रॉक्सीमेट भी लगाएं, अगर 4 आदमी भी आपके कम हो रहे हैं यही 3 प्रोसेस में, तो मिनिमम 10,000 भी वेजिस लगाओ तो टोटल आपका 40,000 रुपया यही 3 प्रोसेस में कम हो जाता है मंथली का। तो इसी से आप अगर ऑटोमेटिक मशीन लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, इससे आपका प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको मशीन भी चलाकर दिखाऊंगा, मशीन की प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा सारी। ये स्पीड भी मशीन की वेरिएबल है, आप देख सकते हैं टच स्क्रीन पैनल लगा हुआ है सारा। इसमें आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं मशीन की, कितनी पिन लगाना है, कौन से डिस्टेंस पर लगाना है, वो सारा इस पर सेट हो जाता है। तो इसमें आपका ये भी होता है कि क्वालिटी आती है कॉपी की, अगर आप इकट्ठी कॉपी भी रख रहे हो तो पता लगेगा कि ऑटोमेटिक मशीन में बनी है और बेस्ट क्वालिटी नोटबुक्स बनती हैं। इस मशीन में जैसे जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं मैं उसके बारे में आपको बात करूंगा। इसमें जैसे भी ये एक पेपर लगता है और एक ये टाइटल लगता है, तो ये कॉपी जैसे पेपर आता है, पेपर अलग आएगा और टाइटल अलग आएगा, तो ये डबल कॉपी का आता है। जैसे एक कॉपी ये और एक कॉपी, डबल कॉपी का पेपर और टाइटल आएगा। तो इसको बस आपने यहाँ पर मशीन में ऐसे रख देना है कि पेपर और टाइटल और ये ऑटोमेटिक स्टिचिंग, फोल्डिंग और एडजस्ट करिंग होके अब देखो ऐसे बनकर बाहर आ जाएगा। इसमें आप देखो पिनिंग भी लगी हुई है, एडजस्ट करिंग भी हुई है, प्रेस भी हो गया, कितनी बढ़िया क्वालिटी की कॉपी बनी है। इसमें आप पतली से पतली और मोटी से मोटी कॉपी जितनी मर्जी बना सकते हो। उसके बाद जैसे ये कटिंग मशीन है, कटिंग मशीन में आप जैसे देख सकते हैं सैंपल्स हैं, ये कटिंग मशीन में डबल कॉपी के बाद ऐसे सैंपल कटिंग होके बन जाते हैं। अब देख सकते हैं कितनी मोटी कॉपी बनी हुई है, भी इसे छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, कोई भी साइज़ है, ऐसे बन के रेडी हो जाता है। जैसे वो डबल कॉपी थी, ये कटिंग होकर अलग से अलग अलग कॉपी हो जाती है, तो दो कॉपीज़ बन जाती हैं एक टाइम में। एक मशीन में दो कॉपीज़ पिन होती हैं, फोल्डिंग होती है, एडजस्ट करिंग होती हैं। कटिंग मशीन में कटी 20-30 कॉपी कटिंग होकर रेडी हो जाती है, उसको बाद आप पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। पैकिंग के लिए भी श्रिंक पैकिंग मशीन होती है, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो वैसे पैकिंग करके आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बहुत इजी मशीन है, तो इसमें बस आपने जैसे वीडियो में देख रहे हो आप, बस पेपर और टाइटल हम रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्टिचिंग हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा और एडजस्ट करिंग हो जाएगा। जो भी काम पहले मैनुअल होता था वो सारा एक ही मशीन में एक ही लेबर के साथ हो जाएगा, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो देखिए, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस पेपर और टाइटल रख रहा हूँ मशीन पे, तो ऑटोमेटिक जो मशीन में साइज फीड किया हुआ, कितने डिस्टेंस पे पिन लगानी है, वो ऑटोमेटिक पिन लगा के फोल्डिंग करके एडजस्ट करिंग करके कॉपी को बाहर निकालते जा रहे हैं।
तो ये कॉपी रेडी होने के बाद कटिंग का प्रोसेस होता है। तो मैं अभी आपको कटिंग के तीनों टाइप के मॉडल दिखाऊंगा, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। अरे मैं नेक्स्ट मशीन दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं हमारी सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारी। ये जैसे कटिंग मशीन है, मैनुअल कटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं ये जैसे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारी। ये भी कटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये मैनुअल कटिंग मशीन है। इसमें जैसे होता है दाब यहाँ से आएगी, कटिंग ये लीवर खींचेंगे फिर होएगी, तो ये मैनुअल सेटअप होता है। इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं, अगर आपका कम बजट है, अगर आपका बढ़िया बजट है तो आप ये भी लगा सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, प्रोग्रामेटिक मशीन है, आप देख सकते हैं इसमें सारा प्रोग्राम लगा हुआ है। उसमें जैसे सारी मशीन मैनुअली ऑपरेट हो रही थी, इसमें जो मशीन होएगी सारी प्रोग्रामेटिक है। आपने कोई भी साइज नोटबुक का कटिंग करना है, इसमें फीड कर देना है, ये साइज की कॉपी है, तो ऑटोमेटिक कटिंग कर देगा। इन फ्यूचर आपने 1 साल बाद भी कटिंग करनी है, ये यहाँ पे बस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है आपने, तो वो सेम साइज कटिंग हो जाएगा। ये फुली ऑटोमेटिक रहती है, इसमें जैसे मैनुअल में सेफ्टी सेंसर भी नहीं आता, तो इसमें सेफ्टी सेंसर भी आएगा सारा। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें प्राइस में, लेकिन ऑटोमेटिक लगाओगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, लेबर भी कम लगेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा। दोस्तों ये मैनुअल पेपर कटिंग मशीन जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं दाब आ रही है नीचे, तो हाथ से घुमाना पड़ेगा, ये मैनुअल वर्क होता है, तो इसको मैनुअल पेपर कटिंग मशीन कहते हैं। ऊपर दाब आ गई हाथ से, अब जो कटिंग करनी है तो उस लीवर को खींचोगे तो कटिंग हो जाएगी, तो ये मैनुअल मशीन होती है। तो इसके बाद मैं आपको प्रोसेस देता हूँ सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन का। मैनुअल में ऐसे ही दाब हाथ से आएगी, दाब हाथ से ऊपर जाएगी, मेज़र भी दाब मैनुअल जाएगा हैंडल से आगे पीछे, ये पूरी मैनुअल वर्क होता है। अभी जो वीडियो में दिख रही है आपको, ये सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग है। उस मैनुअल में जैसे दाब हाथ से घुमा के आ रही थी, इसमें स्विच प्रेस करने पे आ गई है, तो देखो स्विच प्रेस किया कटिंग हो गया बस। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, इसमें सेफ्टी सेंसर भी लगा रहता है, स्विच से दाब आएगी, स्विच से ही कटिंग हो जाएगी, इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेटिक पेपर कटिंग मशीन। इसमें जैसे हमने कॉपी के हिसाब से साइज़ फीड कर दिया है, तो जैसे हम एक कटिंग करेंगे तो नेक्स्ट साइज़ जो मेज़र का होगा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं वीडियो में भी कटिंग करके दिखाऊंगा, इसकी दाब भी ऑटो आएगी, देख सकते हैं सिर्फ कटिंग वाला स्विच प्रेस किया हमने, दाब भी ऑटो आ गई है और कटिंग भी ऑटोमेटिक हो गई है। अभी आप देखो हमने कटिंग किया, तो नेक्स्ट साइज़ जो होगा कटिंग का पीछे वाला, देखो आप गेज पीछे जाके ऑटोमेटिक सेट हो गया है नेक्स्ट नेक्स्ट साइज़ कटिंग करने के लिए। तो इसमें जो हमने एक साइज़ फीड कर दिया, चाहे साल बाद भी आपने कटिंग कर दी है तो सेम साइज़ की कटिंग आएगी। तो ये प्रोग्रामेटिक फुली ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है। तो ये तीन टाइप के मॉडल हैं कटिंग के। ये पैकिंग मशीन आ गया है, इसमें आपने बस कॉपी को फिल्म में डालना है, जो पैकिंग का रोल आता है पैकिंग के रोल में डालो। तो सबसे पहले ये मशीन में रख के कटिंग हो जाएगा, पहले कटिंग करना पड़ेगा, देख सकते हैं मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये कटिंग हो गया, सबसे पहले कटिंग भी इसी में हो जाएगा, पैकिंग भी इसी में हो जाएगा, देखो कटिंग हो गया पहले, अब पैकिंग हो जाएगा। इसको बस ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक, आपको बस कटिंग करके उसमें नोटबुक रखना है, ऑटोमेटिक श्रिंक होकर पैक हो जाएगा। देखो आप कितनी बढ़िया पैकिंग हो गया नोटबुक। अब ये मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट में, मॉल में, होलसेलर कहीं भी भेजो, सभी भी जगह बेचने के लिए नोटबुक रेडी है अभी। दोस्तों ये फिर 8 नंबर मॉडल आता है, फुली ऑटोमेटिक होता है। इसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्ट करिंग और कटिंग सारा काम एक ही में होता है। इसमें जैसे देखो हमने पेपर और टाइटल रख दिया है, कन्वेयर खुद आगे लेके जा रहा है, पिनिंग हो रही है, इसके बाद फोल्डिंग होके, एडजस्ट करिंग होके, कटिंग होके, सारी कॉपी कंप्लीट बाहर बन के निकल जाएगी। अभी देखो ये कटिंग होगी, कॉपी बाहर आ जाएगी। अभी ये देख सकते हैं जैसे डबल कॉपी डाली थी, कटिंग हो गई, अलग अलग कॉपी बाहर आ गई है। जैसे कंप्लीट कटिंग, फ्रंट कटिंग, साइड कटिंग, सेंटर कटिंग, कंप्लीट कॉपी बनकर बाहर आ गया है, जैसे देख सकते हैं। अभी देखिए कॉपी कितनी बढ़िया क्वालिटी की कटिंग होके कंप्लीट कॉपी बन के बाहर आ गई है। फुली ऑटोमेटिक है, एक आदमी से सारी मशीन ऑपरेट हो जाती है ये फुली ऑटो। अभी मैं और दिखाता हूँ आपको मशीन, आप देख सकते हैं ये बन रही है सारी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। ये देख सकते हैं ये सेमी ऑटोमेटिक सेटअप से सारे, ये आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग मशीन है, ये मोटर वाली है, जैसे वो 3 इन 1 मशीन थी, इसमें आपका सारा काम अलग अलग होएगा, स्टिचिंग अलग मशीन में होगी ये वाली में। ये एडजस्ट केयरिंग मशीन है, आप देख सकते हैं इसमें एडजस्ट केयरिंग होएगी, ऐसे सारी देख सकते हैं पीछे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये हमारी सारी यहाँ पे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आज मैं और मशीन दिखाता हूँ आपको भी।
ये आप देख सकते हैं, ये भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये 3 in 1 बन रही है, 4 in 1 भी होती है हमारे पास, इसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग, एडजस्टिंग और कटिंग। मैं आपको सभी मशीन्स की वीडियो साथ साथ में दिखाऊंगा। तो ये हमारा पीछे पेंट एरिया है पूरा, यहाँ पे मशीन्स पेंट होती हैं सारी। ये और भी मशीन्स होती हैं हमारे पास वायर के रिलेटेड, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये वायर नील मेकिंग मशीन है ये वाली। इसमें जैसे आपको कांटी बनता है, मेक कहते हैं जिसको, कांटी मेक वायर नील बनता है इसमें। तो ये भी छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक हमारे पास सभी टाइप की मशीन रहती हैं। तो ये भी किसी को मशीन चाहिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और या व्हाट्सएप करो, तो आपको व्हाट्सएप पे सारी मशीन की जानकारी और डिटेल्स भेज देंगे। अब ये भी देख सकते हैं, ये स्क्रू वाली मशीन है, ये पॉलिशिंग ड्रम है, तो ऐसी सभी टाइप की मशीन रहती है हमारे पास। जैसा भी आपको ऑर्डर करोगे वैसी मशीन आपको रेडी करके मिल जाएगी हमारे पास। नोटबुक की, वायर नेल की, स्क्रू की, नैपकिन की, डिस्पोजेबल आइटम सारी, पेपर कप, पेपर प्लेट, सभी टाइप की मशीन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब जैसा भी ऑर्डर करोगे वैसी आपको मशीन मिल जाएगी। मैं आपको और दिखाता हूँ, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सारी, ये आप देख सकते हैं, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये भी मशीन लगती है साथ में, अगर ये भी किसी ने लगानी हो तो स्पायरल बाइंडिंग वाली मशीन है। आपने कॉपी में देखा होगा जो पीछे वायर वाली कॉपी होती है, पीछे वायर लगी होती है स्पायरल वाली, वो उसमें स्पायरल होता है। तो ये भी किसी ने इसी सेटअप के साथ लगानी है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी हमारे पास रेडी स्टॉक में रहती है ऑलवेज। ये भी इजी प्रोसेस होता है, पेपर यहाँ पे आपने रख के बस इसको प्रेस करना है, ये फुट स्विच होता है, इसको प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक स्पायरल हो जाएगी। तो आप जैसे भी हमारे से कोई भी मशीन लेते हैं, हमारा इंजीनियर जाएगा आपके सिटी में मशीन इंस्टॉल करके आपको सारी ट्रेनिंग भी देकर आएगा, कैसे मशीन चलानी है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो हमारा इंजीनियर आपको सारा गाइड करेगा। आपको इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी मशीन लगानी है, हर जगह हमारी मशीन जाती है, ऑल ओवर इंडिया भी जाती है, एक्सपोर्ट भी होती है। किसी भी कस्टमर को मशीन चाहिए वो हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से होता है, अगर आप किसी डीलर थ्रू मशीन ले रहे हो तो वो डीलरशिप ऐड हो जाती है साथ में। इसलिए जो भी किसी ने मशीन लेनी है हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे, तो उसको जो भी मैनुफैक्चरिंग प्राइस होता है उसी प्राइस पर मशीन मिलेगी, कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी की मशीन मिलेगी। आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।